जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनी और लाडलो लाडली, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, जो भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं SSC GD की अगली भर्ती का, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो बनना चाहते हैं फौजी, या जिनका सपना है जुनून है वर्दी पहनना, उन सभी के लिए ये वीडियो है। कल मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में बताया था, इसका एक ऑफिशियल नोटिस भी बताया था, और आज मैं आपको इसकी न्यूज पेपर की जो कटिंग है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लाडलो, अगर आपको ये ओरिजिनल न्यूज पेपर या SSC GD से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमांडो अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सबसे पहले अपडेट रहेगी SSC GD वैकेंसी की, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। अब इसमें देखिए किस प्रकार से भर्ती होगी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर एज रिलेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कितने पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही अगर आप तैयारी करना चाहते हैं SSC GD 2023-24 की, तो आप कमांडो अकेडमी से अग्रिम बैच ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन अकेडमी में आना चाहते हैं, आने वाली 1 तारीख से नए बैच शुरू हो रहे हैं SSC GD 2023 के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कमांडो अकेडमी। लाडलो देखो, कांस्टेबल के 1,30,000 पदों पर होगी भर्ती, ठीक है। कितने पदों पर? 1,30,000 पदों पर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF करीब 1,30,000 पदों की भर्ती करेगा। इसमें 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे, जो अभी अग्निवीर ज्वाइन कर रहे हैं इन सब के लिए 10% पद आरक्षित रहेंगे। अगर नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 1,29,929 पदों पर में से 1,25,262 पदों पर पुरुष और 4,667 पर महिला रहेगी। ग्रुप सी लेवल 21,700 से 29,700 जो कांस्टेबल GD का होता है, भर्ती पोर्टल पर देखें, यानी कौन से पोर्टल पर अगर आप इस भर्ती के बारे में देखना चाहते हैं तो लाडलो आप CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो, आराम से जाके इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिस है उसके बारे में देखिए। एज रहेगी 18 वर्ष, निर्धारित की गई है न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम की गई है 23 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए, यानी आयु में छूट जो 3 साल की इस बार भर्ती में मिली थी वो शायद आपको इस साल नहीं देखने को मिले, और हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा मांग उठाए, अगर जागृत रहे तो वो छूट भी मिल सकती है। अगर आप इस बात को शुरू से उठा के चले कि एक बार और मिलनी चाहिए आयु में छूट, तो छूट भी मिल सकती है, इसकी भी मुमकिन है, क्योंकि सरकार इस समय युवाओं को रोजगारित करने के पूरे जोश में है और अपने कार्यों को गिनाने के चक्कर में, यह मान के चलिए कि रोजगार देश में पनपित करने के लिए 3 साल की पिछले में छूट दी, इसमें भी दे सकते हैं। चयन प्रक्रिया, चयन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा पास करनी होगी। संभव है CRPF GD कांस्टेबल की यह भर्ती SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जरिए होगी। किसके द्वारा होगी? SSC GD के द्वारा। इसकी एग्जाम डेट भी मैंने आपको बताई थी कि 1 जनवरी से इसके एग्जाम होंगे। कल इसके बारे में आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख सकते हैं, 1 जनवरी 2024 से इसके एग्जाम होंगे लाडलो, वो भी उसमें लिखी हुई है। अग्निवीरों को छूट, पहले बैच के अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, साथ ही इस भर्ती में 10% जो आरक्षित रहेंगे अग्निवीरों के लिए, 10% आरक्षित रहेगी आगे से सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में अग्निवीरों के लिए। क्या जरूरी होगा? उम्मीदवार के पास केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास सक्षम का सो, यानी कौन सी क्लास पास होना चाहिए? वो 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 10 भर्ती जनरल ड्यूटी केंद्र कैंडिडेट कांस्टेबल पदों के लिए पूर्व सेना कर्मियों के मामलों में समकक्ष सेना योग्यता होनी चाहिए। पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना की तिथि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई जाएगी। तो ये वैकेंसी लाडलो अब 100% आप किसी भी न्यूज पेपर में उठा के देखोगे, ये वैकेंसी के बारे में आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं CRPF की। इसके अलावा मैं आपको एक और बता रहा हूं, PIB की आप भी वेबसाइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस नोट जारी होते हैं, यानी न्यूज जारी होती है, उसको दिखाता है। ट्विटर पर इनका वेरीफाइड एक ऑफिशियल पेज भी होता है, उस पर भी जाके देख सकते हो। PIB अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, वहां पे भी आपको जो मैंने कल एक लेटर दिखाया था वो लेटर मिल जाएगा। अगर आप इन चीजों को देखोगे तो 100% क्लियर हो गई कि वैकेंसी आपको 2023 में देखने को मिलेगी, और लगभग 1,30,000 पदों पर। इससे बड़ा और क्या हो सकता है लाडलो, तैयारी में जुट जाइए आज से ही अगर आपको अपना नंबर पक्का करना है। जय हिंद, जय भारत।